ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों पार्ट लेके है कोलकाता। ईस्ट पार्ट में इको पार्क, निको पार्क, मदर वैक्स, विश्व बांग्ला गेट, एक्वाटिका, ये सारी चीज़ तो आपको पहले से ही मालूम है। आज एक नई डेस्टिनेशन में लेके चलती हूँ, एयरक्राफ्ट म्यूजियम। चलिए चलते हैं। वेलकम टू ट्रैवल विद रीमा। घर से थोड़ी डिस्टेंस में ही है एयरक्राफ्ट म्यूजियम। आज डे ट्रिप के लिए वही जा रही हूँ, आपको घुमा के दिखाती हूँ। चलिए, ये है विश्व बांग्ला गेट। ऊपर में जो वो गोल सर्कल टाइप की दिख रही है वो है हैंगिंग रेस्टोरेंट। विश्व बांग्ला गेट से सीधा जो रास्ता जा रही है वो मदर वैक्स और इको पार्क की तरफ जा रही है, और दाहिने तरफ जो रास्ता जा रही है वही एयरक्राफ्ट म्यूजियम की तरफ जा रही है। आपको डायना आके फिर बाया मोड़ लेना होगा। पहुंच गई हूँ एयरक्राफ्ट म्यूजियम में, पर टिकट काउंटर में पता चला कि यहाँ कैमरा भी अलाउड नहीं है और एक्शन कैमरा भी अलाउड नहीं है। मन ख़राब हो गया, अब कैसे वीडियो और फोटोग्राफी करूँगी मैं। जगह काफ़ी बड़ी है और एक ही फाइटर जेट रखा हुआ है, इसी के अंदर म्यूज़ियम है। शायद बाद में और भी कुछ ऐड करेंगे ये लोग। एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में आई हूँ। अब ये देखिए, एक फाइटर जेट है, ये म्यूज़ियम इसके अंदर है। अभी अंदर जा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ डिटेल में। बहुत गुस्सा आ रही है, कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है अंदर म्यूजियम के। कुछ फ़ोटो मोबाइल से भी नहीं खींचने दे रहे हैं, मोबाइल कैमरा भी अलाउड नहीं है। कैसे दिखाऊं आप लोगों को फ़ोटो? म्यूजियम के अंदर तो गाइड बैठे हुए हैं, वो लोग आपको पूरा डेमोंस्ट्रेशन दे देंगे, कैसे मिसाइल छोड़ा जाता है, कैसे युद्ध के टाइम में इमरजेंसीज में टारगेट को फिक्स किया जाता है, ये सारी चीज़ें और सबका पोजीशन, कहाँ कौन बैठते हैं, सारे मशीन की जानकारी ये सब बोल देंगे। हम सिविलियन के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर एक फाइटर जेट के अंदर ही म्यूज़ियम है, और कुछ ज़्यादा आइटम होता तो अच्छा रहता, थोड़ी और डिटेल जान पाती तो अच्छा होता। शायद ये लोग बाद में और आइटम ऐड करेंगे। आप लोग अगर इको पार्क या मदर वैक्स म्यूज़ियम में कभी आते हो तो साथ में ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम भी देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत पास में ही है। ये रहा इको पार्क, ये है मदर वैक्स म्यूजियम। एंट्री फीस पर हेड 250 रुपया। ये एक छोटा सा ट्राम, इस ट्राम के अंदर है रेस्टोरेंट। ये फूड कोर्ट है, कोलकाता स्ट्रीट फूड। अभी तो बंद है क्योंकि अभी सुबह को 11 बजे है। ये 1 बजे तक ओपन हो जाएगी, रात के 8 बजे तक खुला रहता है। पर मुझे इको पार्क या मदर वैक्स म्यूजियम में नहीं जाना है, अभी बुक फेयर चल रही है इसलिए बुक फेयर जा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।